स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं पूर्व महाराओं से अलका कुमारी बेटा के आपके दाखिले की तरह मान्य जी किशोर को मनाई जा रही है। आज तो लेट हो करने के लिए हमारे देश के विपक्ष के नेता बहन, लेकिन साथियों आज विपक्ष क्या कर रहा है आप देखते हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले आज विपक्ष ऐसे चमेली की बात है। आज भाइयों कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी के लोगों ने देश को चलने नहीं दिया। औद्योगिक केंद्र था यहाँ, यांस नामक वस्तु बनाई जाती थी, यांस खेड़ा। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों के समय में हरियाणा के ठीक बीच में मध्य में होते हुए भी ये विकास की दौड़ में जिस स्तर पर पहुंच जाना चाहिए था वहां तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी हुई ये भाई विशंबर वाल्मीकि, मैं तो इसने भाई बबलू बुराना मानिए, मैं तो खरक्का में तो मान रहा था भाई विशंबर भाई भोड़ा भाड़ा सा है, लेकिन आज इस प्रकार से भाई विशंबर जी ने जो बात घुमा घुमा करके जो छक्के मारे हैं, आप फलाना हल्के में 270 कर दिया, मारा दोड़ा कर दियो, फलाने जगह इतने हो गए, मारा तिगड़ा कर दियो, मैं समझ गया वो आदमी जो है बहुत सियाणा आदमी है। सरकार के भी 3 साल बचे हुए और भवानी खेड़ा की और भाई विशंबर जी ने जो इतनी बड़ी हाजिरी के सामने, इतनी बड़ी गवाही के सामने जो आज मांग रखी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप जो भी मांगों को स्वीकार करेंगे खजाने की तरफ से उसमें कोई कमी नहीं आएगी। भौगोलिक दृष्टि देख के जो मांग रखते हैं मुख्यमंत्री खुल कर देते हैं, इससे यही संदेह जाता है। छोड़कर चला गया तार कहता है कुछ नहीं है, इससे हालात ये दिखती है कांग्रेस का चुका छाप हो चुका है, मटका उनका सूख चुका है। इस प्रदेश के लिए माननीय मनोहर लाल जी ईमानदार मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसको कोई सलाह अगर आप किसी प्रकार से 200 यूनिट का आखिरी 2 रुपए कर दो तो ये प्रदेश कहीं चोरी नहीं करेगा, आपका सारी उम्र गुमराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बजाते हो आखिरी के लिए सही पर है आखिरी पर बैठ जा थोड़ी देर चलेगा और उसके कारण से जनता को तो लाभ होगा ही, सरकारों के पास भी पैसा आएगा, खूब आएगा, टैक्स पैसा आएगा। इतना बड़ा काम है 12-14 लाख करोड़ रुपया, इसके बड़े नोट प्रकार से बाहर हो गए प्रचलन में से, नए नोट इतनी जल्दी संभव नहीं था आना, और संभव भी क्या हो सकता है योजना से ही कम लाए हो, क्योंकि अगर उतने ही नोट आ जाते तो फिर पुराने बाहर हो जाते, नए उनकी जगह पहुंच जाते, क्योंकि ये काम अभी थोड़े नोट होने के बाद भी हुआ है। अभी जो छापे लग रहे हैं सैकड़ों करोड़ रुपया नया जो नोट है वो निकल रहा है, क्यों पुराने को बदले नए दबाने शुरू कर दिए। अब हमने तो उन लोगों को टाइम दिया 50 दिन का कि जिनके पास थोड़ा पैसा है बैंक से जाके बदल लो भाई, अपना बैंक में जाके जमा करा लो, जिनके पास ज्यादा है वो टैक्स दे के अपना पैसा कम से कम 50% टैक्स दे के बाकी 50 को बचा लो, लेकिन इसका गलत उपयोग भी कुछ लोगों ने किया। अब ये सारी कहानी इसलिए मैं बता रहा हूं कि कुछ तकलीफ आम जनता को भी हुई होगी। बैंकों में जाने के बाद उनको भी कठिनाई हुई, वहां हर तरह के लोग ठीक भी गलत भी सब लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन ये काम 31 दिसंबर तक की तकलीफ है, उसके बाद नहीं है। 31 दिसंबर के बाद पुराने नोट बिल्कुल बंद हो जाएंगे, अदला बदली का चक्कर समाप्त हो जाएगा, पैसों का अगर ऊपर से मानो नए नोटों का ज्यादा अगर और वृद्धि हो गई, उनका प्रसारण बढ़ गया, तो ये सारी समस्याएं समाप्त होने वाली है। और अंततः अब भाई अभी एक काम क्या है नरेंद्र भाई मोदी का पता नहीं है 31 दिसंबर के पास उसके बाद कौन कौन सा 3 उनके तरकश में है, 2 नंबर के धंधे अभी भी चल रहे हैं, प्रॉपर्टियां 2 नंबर की पड़ी है, बेनामी प्रॉपर्टियां पड़ी है। इस देश के अंदर इतना बड़ा बदलाव दुनिया के लोग देख रहे हैं कि कैसा बदलाव, कैसा ये लोकपुरुष, कैसा ये निर्णय है, वास्तव में अभूतपूर्व हुआ है। मेरा कहना इतना ही है कि विकास के कामों में खूब तेजी आएगी, अभी तक भी विकास के कामों के अंदर हम पीछे नहीं है। हमने 2 साल में जितने भी प्रारंभ में घोषणाएं की थी वो सब पूरी हो रही है, आज होने वाली घोषणाएं आने वाले 1 साल में ये हम पूरी करेंगे, अगला साल बहुत महत्वपूर्ण है, स्वर्ण जयंती का मेरा वर्ष है ये, इस अगले वर्ष में विकास के तो भरपूर
करोड़ काम हो ही रहे हैं। एक काम जिसके अंदर अभी हम थोड़ा पीछे हैं वो है रोजगार। हमारे यहाँ के 5 लाख नौजवान बने और बहुत जल्दी अप्रैल में हम जो बीए पास लोग हैं उनका भी साइंस ग्रेजुएट्स हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, आर्ट्स के लोग हैं, इनको भी सबको काम देंगे। चाहे वो छोटा ही काम थोड़ा ही काम दें लेकिन कम से कम अपने पैरों पर वो खड़ा हो जाए, ये पूरा काम को रोजगार की जरूरत है। उनको भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद कौशल विकास उनको हुनर करने के बाद इनको भी या तो उद्योग ये उद्योग लगा करके नौकरियां दिलाएंगे। बड़ी मात्रा में उद्योग यहाँ आने वाला है। हमने अभी इन्वेस्टर सम्मेलन किया, 550 एमओयू हुए समझौते हुए, इसमें 7 लाख करोड़ रुपए इसका इन्वेस्टमेंट हरियाणा में होगा ऐसा लोगों ने वायदा किया और इस वायदे के अनुसार लोग आने शुरू हो गए हैं। लगभग 150 वायदे उनके लाइसेंस दिए जा चुके हैं, जमीनें उन्होंने खरीद ली हैं और इस नौजवान को जो आज अभी हुनर की कमी है कौशल विकास के जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें आगे बढ़ा करके और इनको उस लायक बनाया जाएगा कि प्राइवेट उद्योग इनको नौकरी दे, अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने धंधे खुद करे। सरकार की नौकरियां बहुत सीमित हैं, हर साल 12 से 15 हजार वैकेंसी होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। उसमें भी क्योंकि पिछली सरकार 5 साल पूरे भत्ते नहीं की और ना करने के कारण से अब हमारे लिए अवसर समझे या हरियाणा का दुर्भाग्य समझे, 50,000 पोस्टें खाली हैं, उसकी हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी है, परीक्षाएं हो रही हैं, लगातार साक्षात्कार हो रहे हैं, उनको सबको मेरिट के ऊपर नौकरियां दी जा रही है। चाहे पुलिस की सिपाही की भर्ती हो, क्लर्क की भर्ती हो, अध्यापक, प्रोफेसर, जेई, जूनियर इंजीनियर, HCS, STO, इन सब की भर्तियां अगले इस वर्ष के अंदर होने वाली है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी मित्रों। और जब तक काम नहीं मिलता पढ़े लिखे नौजवानों को हम मानदंड दे रहे हैं, एमए पास कोई भी व्यक्ति जो आज बेरोजगार है 100 घंटे काम करे 9,000 रुपया सरकार से ले। इस क्षेत्र में किसी न किसी रूप में चौथी बार आना हुआ है। सुई में कार्यक्रम हुआ तभी मैं आया था, वाणीखेड़ा में कार्यक्रम हुआ तभी मैं आया था, एक विश्वविद्यालय का जब यहाँ पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ तभी मैं आया था और आज तिगड़ाना गांव में विधानसभा की रैली और इसमें आ रहा हूँ। यहाँ के लोगों ने जितनी प्रकार की डिमांड्स हमारे सामने रखी थी छोटी बड़ी सबको स्वीकार किया है। उसमें मुख्य रूप से सड़कों का था, इरीगेशन में कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज माइनर्स इनके लिए कुछ व्यवस्था की थी, कॉलेजेस की जो मांग रखी गई है हम लोग 22 जनवरी को हरियाणा के सब मैपिंग करा करके और हर 20 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई एक महिला कॉलेज ज़रूर हो इस प्रकार की व्यवस्था करके ऐसी सारी मांगें उस समय पूरी की जाएंगी और यहां पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। आज लगभग 150 करोड़ रुपए की मांगों का यहां पर आज ऐलान किया गया है जो आने वाले वर्ष हुआ। अब उसमें कुछ जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसका शीघ्र उसको शुरू हो जाएगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। शिलान्यास होने का मतलब ही काम है और इतना बड़ा काम देश के इतिहास में हुआ है, ये एक जिसको कहना चाहिए कि बहुत साहसिक कदम है। फिर भी चूँकि नए नोट और पुराने नोटों का जो प्रचलन है एक 50 दिन की अवधि में, निश्चित रूप से इसमें कुछ कठिनाई पहले से आएगी हमको, यानी उसका पूर्वाभास पहले से है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि 50 दिन तक आप मेरा साथ दीजिए और मैं समझता हूँ 30 दिसंबर के बाद ये सब चीज़ें ठीक होने वाली हैं, क्योंकि इस नोटबंदी के कारण से बहुत सा पैसा जिन लोगों ने पहले ब्लैक मनी काला धन इकट्ठा किया हुआ था उन्होंने अदल बदल करके पुराने नोटों की जगह नए नोट भरने शुरू किए, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है कि बहुत जगह पर इस प्रकार से छापे लगाने के बाद नोट पकड़े भी जा रहे हैं। सैकड़ों यानी करोड़ रुपया नए नोटों की जखीराबंदी भी ये पकड़ी गई है और ये क्योंकि 30 दिसंबर के बाद बिल्कुल नहीं होगी और उसके बाद ये सारी पानी की जितनी सप्लाई है हमारे पास उस सप्लाई के हिसाब से सारा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। लेकिन जैसा हमको पता है कि SYL नहर का फैसला हो गया है, अब इस SYL नहर के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो हमने उसकी जल्दी सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहा है ताकि उस जल्दी सुनवाई करके और इम्प्लीमेंटेशन का काम वो चाहे पंजाब सरकार की ओर ये विषय जाता है चाहे केंद्र सरकार की ओर जाता है उसकी इंतजार है। जैसे इम्प्लीमेंट होगा तो पानी की पर्याप्त मात्रा और उसी के साथ साथ हंसी उठाना ये विषय भी ऐसा है जिसके माध्यम से ये चीज़ें नहीं। देखिए उस विषय में कोई भ्रष्टाचार उनको दिया है और लेने वाले लेकर के उसका क्या करेंगे, नहीं नहीं देखिए वो विषय कब का लिया कब का दिया और क्या किया हमारे पास उसकी कोई शिकायत नहीं आई है। कोई हमारे पास शिकायत आएगी तो बात करें।